सर गांधी फैमिली को लेके हालांकि गहलोत ने एक घोषणा की है, एक तो इंदिरा गांधी की जो रसोई योजना है वो अब 2000 हो जाएंगी, इंदिरा रसोई इंदिरा योजना, रसोई योजना। उसके अलावा जो एक यूनिवर्सिटी की उन्होंने घोषणा की है, ड्रोन और एविएशन, जो पायलट बनना चाहते हैं उसको लेके उन्होंने राजीव गांधी के नाम से, राजस्थान के नेताओं में एक पायलट और हुए हैं राजेश पायलट, आज उनका जन्मदिन भी है। तो क्या नहीं लगता कि अशोक गहलोत राजेश पायलट के नाम से इस घोषणा को करके गुर्जर समाज को एक बड़ा मैसेज दे सकते थे कि लोग तो मजाक में ये भी कह रहे हैं कि क्या पायलट के अलावा उनको कोई शब्द नहीं सूझा, जी हिंदी में कोई शब्द सूझ जाता, क्योंकि जी पायलट सबसे उनको कितनी परेशानी है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी जब वो बजट पेश कर रहे हैं और जब चूक होती तब भी कई कमेंट अगर आप सोशल मीडिया पर पढ़ेंगे तो उनमें ये था कि पायलट ने इतना दबाव और इतना तनाव दे दिया कि वो कुछ अच्छे से पढ़ और समझ भी नहीं पा रहे हैं, जी और ऐसे में वो और पायलट तैयार करने की बात कर रहे हैं, जी तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में और भी पायलट नहीं, को उनका तकनीक तैयार और कर। उसको लेके कंसर्न है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। राजीव गांधी डेटा सेंटर का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इसके अलावा सर उन्होंने जो संविदा कर्मी हैं उनको लेके बड़ी घोषणाएं की है, एक बहुत अच्छी संविदा कर्मियों को लेकर के अगर ये घोषणा जो आज उन्होंने की है, ये शुरुआती, क्योंकि पिछले उसमें ही था, चुनाव घोषणा पत्र में शामिल था, जी। और उसी वक्त ये अगर लागू कर देते तो शायद ज्यादा फायदा होता। जी। संविदा कर्मी उनके साथ और ज्यादा मजबूती से खड़े होते, हाँ भाई एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित कर सकते थे। गहलोत ने कई फैसले अच्छे किए, कई इसमें बातें की है, लेकिन इनको वक्त पे इंप्लीमेंट करते पहले, तो जी उनकी नीयत पर सवाल नहीं खड़ा होता और इनको इंप्लीमेंट करने का भी उनके पास में वक्त होता।